हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम। यहाँ पर एक मैच हो रहा है CONCACAF लीग का। कल एक मैच हुआ था PAN वर्सेस कतर के बीच, जिसके अंदर मैंने खिलाड़ी को बोला था कि ये गोल करेगा, वो 3 गोल कर गया और मैंने कैप्टन रखा था। मेरे को देख के बहुत लोगों ने कैप्टन रखा था, तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि सुबह आपने रिजल्ट भेजे। आप 4:30 बजे उठे मेरे भरोसे और आपकी नींद तो चलो ख़राब होने की दूर की बात है, कि आपका लॉस नहीं हुआ, सबसे मेन बात ये है। तो मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मैंने जैकपॉट मैच का एंड आप लोगों ने भरोसा किया 4:30। कई लोग कह रहे हैं हम अलार्म लगा के स्पेशल उठे थे सिर्फ आपकी टीम के लिए। सो थैंक्स भाई, आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ एंड आप इतना प्यार दिखा देते हो, मज़ा आ जाता है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाइए फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। बात करें अगर हम इस मैच की, तो GUA का मैच, GUA एंड JMC मतलब ग्वाटेमाला वर्सेस जमैका के बीच मैच हो रहा है। तो गाइस, यहाँ पर मैं जिस टीम को फेवर करूँगा वो टीम है जमैका टीम, क्योंकि GUA भले ही इस सीज़न अच्छा कर रही है लेकिन 3 मैच में से 2 जीती, 1 ड्रॉ किया। मैं बुरा नहीं कह रहा, लेकिन जमैका टीम के गोल बहुत ज़्यादा हैं और गोल और विनिंग जिसकी ज़्यादा हो नेचुरली हमेशा उस टीम को फेवर करना चाहिए, और जमैका टीम इनसे फीफा रैंकिंग में भी आगे है। सो मैं सबसे पहले तो लूँगा एंटोनियो को। सो एंटोनियो को थोड़ा समझने की ज़रूरत है, एक्चुअली अभी तो वो बहुत पिछड़ी हुई गेम खेलता है। मेरे को मतलब पसंद बहुत था खिलाड़ी जब ये वेस्ट हैम यूनाइटेड में भी अच्छा खेलता था, लेकिन अभी मैं काफ़ी देख रहा हूँ कि 1 साल से बेचारे की फॉर्म डगमगा गई। पहले ये इंजर्ड हो गया था, फिर बेचारे की इंजरी रिकवर हुई तो बट बेचारा उस फॉर्म में आ नहीं पाया। मैंने आपको बोला ना, इंजरी के बाद या तो खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलता है या बिल्कुल बुरा, ऐसा होता है, हर बार होता है। तो मैं चाहता हूँ कि एंटोनियो अच्छा करे। एंड एल बैले की बात करें तो एल बैले ने लास्ट मैच में पेनल्टी ली थी, सो आई एम गोइंग विद एल बैले। एल बैले अच्छा खेल लेता है, एल बैले तो वैसे भी डोमेस्टिक लीग में भी अच्छा खेलता है, सो इस खिलाड़ी को लूँगा। और दोनों प्लेयर्स को जगह मिल रखी है उस लीग में, प्रीमियर लीग में, सबसे बड़ी लीग में फुटबॉल की। और आगे से बात करें तो बुरके हो गया, डी रिचर्ड्स हो गया और निकोलसन हो गया, तो ये सारे खेल सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि एंटोनियो या एल बैले को जरूर खिलाएंगे, ऐसा नहीं है। एल बैले या एंटोनियो को जरूरी नहीं है, हो सकता है अगर ना खेले तो बुरके को चांस मिले, सो ये ध्यान रखना। और बात करें रूबिन, तो यहाँ पे मैं रूबिन को लेने वाला हूँ, क्योंकि रूबिन इज अ नॉर्मल प्लेयर, आई एम गोइंग विद रूबिन। मिडफील्डिंग की अगर बात करूँ तो मिडफील्डिंग के अंदर यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ डी ग्रे को, ठीक है। डी ग्रे एंड जे रसल ने जैसे लास्ट मैच में गोल किया था, बट रसल उतना बेटर है नहीं कि मैं कहूँ इसके पीछे भागो। भागने वाले जो प्लेयर होते हैं वो अलग ही होते हैं, तो ये प्लेयर तो बहुत मतलब ऐसे ही है। एंड बी रेड की भी बात करूँ तो बी रेड भी आपको वो नहीं कच करने वाला गोल वगैरह, वो भी नॉर्मल है। इसलिए आपको इससे बढ़िया मैं कहूँगा आप ना डिफेंडिंग में आकर कम से कम 4 डिफेंडर तो जमैका के ले लो, जिससे आपकी टीम सिंगल साइड फेवर हो जाए। पहला है बर्नर्ड, अगला है मरियापा, दोनों मेन प्लेयर हैं। पिछली वीडियो जब जमैका की बनाई थी उस वीडियो में भी कहा था कि मरियापा एंड बर्नर्ड मेन है, और जो अगले 2 प्लेयर हैं वो आपके आ जाते हैं की प्लेयर, बट उनका खेलने का तरीका बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। सबसे पहला ए बेल, ठीक है, एंड अगला है डी लॉव। और ए बेल नहीं खेला तो आप चाहें तो लंबिकिसिया को ले सकते हैं, अगर आप अभी लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि वो फोर्थ डिफेंडिंग कर रहा है। कल को आप बाद में मुझे ब्लेम ना करें कि तुम्हारे चक्कर में हमने खिलाड़ी छोड़ दिया था, मैं छोड़ने को नहीं कह रहा, मैं लेने को कह रहा हूँ। एंड बात करें गोल कीपिंग की, यहाँ पर है हैगन, तो यहाँ पर लूँगा निकोलस हैगन को। निकोलस हैगन इज़ अ ग्रेट प्लेयर, सो आई एम गोइंग विद दिस प्लेयर। एंड आगे से अगर बात करें यहाँ पर मिडफील्डिंग की, तो मिडफील्डिंग के अंदर मीजिया को ज़रूर लेना है, बिकॉज JUA का मीजिया बहुत अच्छा खेल रहा है। एंड माई नेक्स्ट प्लेयर वॉज ओ कैस्टेलेंसन, ठीक है, इसके साथ जाएंगे। तो बात करें कैप्टन की, तो मैं 2 मिनट, एक प्लेयर हमारा शायद रह गया, गोल कीपर दिया था मैंने, हाँ। तो कैप्टन की अगर बात करें तो देखिए, मेरा कैप्टन है एंटोनियो, मैं थोड़ा ज़िद्दी हूँ तो कुछ नहीं, अगर आपने चेंज करना है तो आपने ग्रे को मत रखना, आप ऐसा करना बैले को रखना, ग्रे उतना बेटर है नहीं, और मेरा वाइस कैप्टन बैले है। और अगर आपने चेंज करना हो तो आप इस कॉम्बिनेशन के साथ चले जाना, रिस्क लेना तो इस कॉम्बिनेशन के साथ। ये है रिस्की कॉम्बिनेशन और ये है सेफ कॉम्बिनेशन, तो मैं प्रेफर करूँगा रिस्की को, ठीक है, मैं रिस्की के साथ जाऊँगा। तो ये मेरी टीम है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।